विद्यार्थियों, हूँ नापा बाबा फरीद जी दे पाठ पुस्तक विच दित्ते सत श्लोकां नूं एक एक करके प्रसंग सहित व्याख्या दे तौर ते जानांगे। पहला श्लोक है, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख आप नड़े गिरेवान में सिर नीवा कर देख। इस नूं लिखण तो पहले आपां प्रसंग लिखांगे। प्रसंग विच आपां की लिखांगे? ये श्लोक साहित्यिक किरणा एक नाँ की पंजाबी पाठ पुस्तक विच्चों लिया गया है। ये श्लोक बाबा शेख फरीद जी की रचना है। इस विच ओ मनुख की आलोचना करन तो रोकते हैं ते दसते हैं कि किसे वल उंगली करन तो पहला अपने अंदर भी झात मार लेनी चाहिदी है। व्याख्या किवें करांगे जी? फरीदा जे तू अकल लतीफ, बाबा फरीद कह रहे ने मनुख नू संबोधित करदे होए कि हे मनुख जे तू सूखम समझ वाला है, सूखम सूझ वाला है, अकल लतीफ तो पावे बरीक समझ वाला, काले लिखना लेख, काले तो पाव माड़े, लेख कर्मा दी गल आखी गई है। कहंदे जे तू सूखम सूझ वाला है, बरीक समझ वाला है, ता तेनू बुरे काम नहीं करने चाहिए। आप नड़े गिरेवान में सिर नीवा कर देख। आप नड़े तो पाव अपने, गिरेवान तो पाव अपनी बुक्कल विच, कि सानू किसे दूसरे व्यक्ति दी निंदा करनी नहीं चाहिदी। इस तरह करके तू अपने ही कर्म माड़े बना रहा है, तेनू अपने अंदर भी झाती मारनी चाहिदी है, ते अपने विचले औगुणा नू भी वेखना चाहिदा है। आओ विद्यार्थियों, हुण आपां बाबा फरीद जी दा दूजा श्लोक देखते हैं, जिस विच बाबा फरीद जी कह रहे ने, देख फरीदा जो थिया दाड़ी होई पूर, आगो नेड़े आया पिछा रहा दूर। इस श्लोक दे विच लिखण तो पहला इस श्लोक दे विचला प्रसंग देखते हाँ। इस श्लोक विच आपां प्रसंग विच की लिखांगे? फिर तो ये श्लोक साहित्यिक किरणा एक नाँ की पंजाबी पाठ पुस्तक विचों लिया गया है। ये श्लोक बाबा शेख फरीद जी की रचना है। इस श्लोक विच बाबा फरीद जी कहते हैं कि मनुख नूं अपना समा भैड़े कम्मां विच लगा के नहीं गवाना चाहिदा, बल्कि प्रभु दे नाम विच लाउणा चाहिदा है। आओ हुण इस दी व्याख्या देखते हाँ। फरीदा देख फरीदा जो थिया दाड़ी होई पूर, जो जो तो पाव जो कुछ, थिया तो पाव हो गया, पूर पूर तो पाव चिट्टी। ऐसे फरीद विच फरीदी की कह रहे ने, अपने आप नू कहंदे हन कि हे फरीद तेरी दाढ़ी दा रंग चिट्टा हो गया है, भाव जो समा है वो अपनी रफ्तार नाल बीतदा जा रहा है, उस वाल ध्यान दे। ए बीत रहा समा इस गल वाल संकेत करदा है, आगो नेड़े आया पिछे रहा दूर, कि मौत दा समा जो है वो नेड़े आ रहा है, ते जन्म दा समा जड़ा है ओ दूर रह गया है, पाव बचपन ते जवानी दा समा जड़ा है ओ निकल रहा है। जो समा साडे कोल है उस विच सानू उस परमात्मा दी बंदगी करनी चाहिदी है, उस परमात्मा दा नाम जपना चाहिदा है। हुण साडा तीसरा श्लोक शेख फरीद जी द्वारा जड़ा दर्ज है अपनी पाठ पुस्तक विच। फरीदा जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े, वसी रब हयालिया जंगल क्या टूंडे। इस श्लोक नू करन तो पहला इसका प्रसंग देखते हैं, फिर तो आप लिखांगे। ये श्लोक साहित्यिक किरणा एक
ना दी पंजाबी पाठ पुस्तक विचों लिया गया है। ये श्लोक बाबा शेख फरीद जी की रचना है। फरीद जी फरमाते हैं कि रब नू मनुख अपने अंदरों ही पा सकता है, जंगलों में जाके रब नू प्राप्त नहीं किया जा सकता। आओ हुण इसकी व्याख्या देखते हाँ। फरीदा जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़। जंगल जंगल की हर एक जंगल तो भाव लिया गया है। क्या भवे क्यों घूमदा है मोड़े तो भाव लिताड़दा। फरीद जी कहते ने कि तू जंगलों विच घूम के रब नू नहीं पाल सकता, जंगलों विच भटकना नाल तेनू रब नहीं प्राप्त होना। रब दी भाल करदा तू जंगलों दे कंडियां नू क्यों लिताड़दा फिरदा है, क्यों उना दे विच घूमदा फिरदा है। वसी रब हे आलिया जंगल क्या टूंडे, कि रब ता तेरे मन विच वसदा है। ओ परमेश्वर ओ परमात्मा ओ रब दी जोत ता तेरे अंदर है, जंगलां विच किथे उस परमात्मा दी भाल करदा फिरदा है। तेनू जंगलां विच अपना मन उस परमात्मा नू लभन ते नहीं लाना चाहिदा। जंगल विच जाके भटकन दा कोई लाभ नहीं, परमात्मा ता सब दे अंदर ही वसदा है। आओ विद्यार्थियों हुण बाबा फरीद जी दे चौथे श्लोक नू देखदे हां, जिस विच बाबा फरीद कह रहे ने रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। पहले इसका प्रसंग देखदे हां कि लिखांगे ये श्लोक साहित्य किरना एक ना दी पंजाबी पाठ पुस्तक विच्चों लिया गया है। ये श्लोक बाबा शेख फरीद जी की रचना है। इस विच बाबा फरीद जी कहते हैं कि मनुख नू सबर संतोख विच रहना चाहिदा है, जो भी उस कोल है उस विच ही उसनू खुश रहना चाहिदा है, ना कि किसे वल देख के अपने मन नू ललचाना चाहिदा है। आओ हुण इस दी व्याख्या वल चलदे हाँ। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, इत्थे रूखी सूखी तो भाव है रूखी सूखी भाव सधारण सधारण रोटी, कि जो परमात्मा ने दिता है उस दे विच ही सबर संतोख करना चाहिदा है। देख फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो, इत्थे पराई तो भाव है किसे होर दी, भाव किसे होर दी कमाई देख के, पराई चोपड़ी किसे होर दी कमाई देख के अपना मन तरसाना नहीं चाहिदा। जियो तो भाव मन तो लिया गया है। आओ विस्तार विच इसकी व्याख्या करते हाँ। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीद जी कह रहे ने कि मनुख नू हमेशा सबर ते संतोख विच रहना चाहिदा है, जो भी रब ने उसनू बख्शिया है उस विच ही संतुष्ट रहना चाहिदा है। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो, किसे दी रोटी नू चोपड़ी देख के अपना जी नहीं तरसाना चाहिदा, भाव किसे दी कमाई देख के अपने मन विच किसे तरह की तृष्णा नहीं पैदा करनी चाहिदी है। आओ हुण अगले श्लोक वल वधदे हाँ। फरीद जी अपने पंजवें श्लोक विच दस रहे ने फिर बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। पहले प्रसंग देखदे हाँ आपां इसका। ये श्लोक साहित्य किरना एक ना दी पंजाबी पाठ पुस्तक विचों लिया गया है। ये श्लोक बाबा शेख फरीद जी की रचना है। ये श्लोक विच बाबा फरीद जी विछोड़े की महत्ता बयान करते हुए दसते हैं। आओ इसके विस्तार विच व्याख्या करते हाँ। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, इत्थे बिरहा तो भाव विछोड़े तो लिया गया है, ते बिरहा तू सुल्तान कि सब तो वड्डी बिरहा उस सुल्तान तो भाव राजा, उस परमात्मा तो विछड़ी आत्मा जड़ी है उस विछोड़े नू उन्होंने सुल्तान कह के संबोधित किया है। फरीद जी कह रहे ने जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान, इत्थे जित तन जिस
ਜਿਤ ਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਰਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੋਈ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੀ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬੇਮਤਲਬੀ ਨਾਲ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਹੰਡ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ। ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਸਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋ ਕੇ, ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਠ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਗਵਾਤੇ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੀਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਮੰਗੀਸਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਆਹੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਫਰੀਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੋ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਲਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਖਿਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੋ ਸੋ ਵਰਿਆ ਜੀਵਨਾ ਬੀਤਨ ਹੋ ਸੀ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜੋ ਸੌ ਵਰਿਆ, ਸੌ ਵਰਿਆ ਭਾਵ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ, ਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।